अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप भाई? अल्लाह का शुक्र आप वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने सावागढ़ में। पहली दफा जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है रमजान करीम बखैर आफियत से गुजरा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फितर है। बस सुबह बारिश स्टार्ट हो गई थी, मुझे ऐसा लगा भाई इस साल भी कंजेक्टिवली हर साल बारिश होती है ना, तो इस साल भी बारिश स्टार्ट हो गई। हुई बारिश, साथ ही मौसम भी खूबसूरत हो गया। और अब हम जा रहे हैं ईद की नमाज अदा करने। गाइस ये देखिए, आज हम जो है वो चैनलों के बादशाहों को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं नमाज पढ़ाने। गाइस ये समी भाई ने चप्पलों की भी मैचिंग कर ली सलवार कमीज के साथ। समी भाई स्ट्रगल करते हुए चादर के साथ ठंडी। स्टावांगर फोरम एक्सपो पे जा रहे हैं हम माशाल्लाह से। Salat al-Eid, så kommer imamen etter hvert konspirere hvordan jeg gjennomfører det. Lillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa sayyida, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. अरबी कम्युनिटी की तरफ से भी ईद मुबारक, क्या बात है। कैसे क्या बात है भाई, इस मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी आवाम को? सबसे पहला पैगाम ये है कि कैमरा थोड़ा पीछे, कैमरा थोड़ा सा पीछे करिए 0.5 पे। पैगाम ये है कि सबको ईद मुबारक और बहुत मजा आ रहा है, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह खाने शाने और नेमत सब कुछ होगा। क्या बात है, जज़ाकअल्लाह जी। श्याम भाई क्या पैगाम देंगे इस ईद के मौके पे? बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए मुसलमान इकट्ठे हुए हैं। मेरा कजन जो स्पेशल डेनमार्क से है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ईद मनाने के लिए, ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। अच्छा मैंने कहना है पाकिस्तान में कहेंगे, लेकिन ईद मुबारक भी कहना, ठीक है? 3-2-1 पे कहूंगा, 3-2-1 पे कहना ईद मुबारक। 3-2 ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। सबको ईद मिलने के बाद अब टाइम है थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने का, थोड़ा सा हम लेक का भी एंजॉय करेंगे और रिलैक्स करेंगे। असलाम भाई को कॉल करें, मेरे ख्याल से हमारे साथ एक बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम साम भाई, हम आ चुके हैं ईद मुबारक भाई। साम भाई हमें लग रहा है कि हमारे साथ कोई प्रैंक हो गया, हम घर के बाहर खड़े हैं लेकिन आप नहीं है। घर के बाहर खड़े हैं यार, आपने कहा था कि टाइम पे आ जाए। 2 सेकंड में आ गया सर, लव यू। जैसे कि आपने देखा कि साम भाई ने कॉल पिक कर ली, हमें लगा था कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है, लेकिन प्रैंक नहीं हुआ। वी आर इन्वाइटेड एंड वी आर गोइंग टू हैव सम ग्रेट फूड ओवर देयर। साम भाई
नाजरीन को पैगाम देना चाहें ईद के इस खूबसूरत मौके पर? आई विश यू ऑल ईद मुबारक, ईद मुबारक, और मेहरबानी आप दोनों आए हो माशाल्लाह, आपके शुक्रिया, आपने हमें माशाल्लाह साहब भाई माशाल्लाह सलाम भाई क्या डेकोरेशन की हुई है माशाल्लाह जी, ईद का थीम दिया हुआ है, क्या बात है, ये आप लोग के लिए भाई जान असलाम भाई, बेहतरीन बात मुझे ये लगी है, ये देखें पाकिस्तान के पाकिस्तानी कल्चर है। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, जैसे कि आपको पता है कि ईद के दिन खाना होता है, आराम होता है और ट्रैवलिंग मस्ट होती है, तो अभी हम अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से ट्रैवल मोड पे जा रहे हैं। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये पीछे एक भाई छुपे हुए हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन द व्लॉग, एंड आकिब भाई इज ओवर देयर, एंड रात का प्लान ये है कि वी विल बी गोइंग फॉर द मूवी, सम इंडियन मूवी, आई होप कि आपको मजा आएगा, प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द चैनल प्लीज। नींद पूरी करके अब हम जा रहे हैं मूवी देखने, मूवी देखने, सो फाइनली दिस इज इट, सो वी आर गोइंग टू सी द मूवी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, और इसी के साथ हमारा जो दिन है वो खत्म हो जाएगा मूवी के बाद, और ईद बड़ी बेहतरीन गुजर रही है अभी तक, लेकिन हमें नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है। आपके लिए चैलेंज है, आप अपने नेक्स्ट सिटिंग पर्सन को जले गले लग के ईद मिलते हैं प्लीज। यो ब्रो, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सी यू सून, सनाकस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सुमी भाई आए हैं यहाँ पे कॉफी एंजॉय करने, सुमी भाई क्यों इतनी महंगी आप कॉफी परचेस कर रहे हैं? मैं सो जाता हूँ मूवी में, सो जाते हैं। हाँ मलिक साहब क्या चाहिए अब हमें? Who should be here to join us, but they will not be coming for the movie. They cancelled the tickets for tonight. They cancelled the ticket, but luckily we got the coupon instead of just wasting the money. So we got the coupon, and I don't know. Yeah, they might gonna come another day and watch the movie. So we are gonna purchase some. So we are some... all alone. Are we gonna purchase some stuff? And we will be going soon. So we are going to purchase some stuff from their coupons. No, we not gonna purchase the stuff from their coupon because it's their coupon, not our coupon. Okay. चुप कर बे कुत्ते. So we have to purchase on our own, man. So I think you need to have you need to give me some money so I can purchase something. I'm gonna give you some money. How much do you want? Maybe 500 kroner. 500 kroner. We found some new our friends here. Maybe you can show them in your place. Yaar, dekh lo yaar. It's been a long time, guys. Kabir. So, guys, हमेशा की तरह, हर दिन की तरह आज का दिन भी ईद का दिन अपने इख्तिताम पज़ीर हो गया है, और हमें वापसी पे आफाक भाई मिल गए, तो उनके साथ थोड़ी सी हमने फुल ऑन गपशप की, ईद की कुछ यादें शेयर की, कैसा दिन गुजरा, वापसी पे ये दोनों मिले तो मैंने भी इनके साथ चीजें शेयर की कि यार हमने क्या किया इस पूरे दिन में, ठीक है तो दिन बड़ा अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा, लेकिन कल से हम जो है बैक टू रियलिटी। नॉर्वे में एक ही दिन होता है, हमने गुजार लिया, कल से हम अपने अपने काम पे जा रहे हैं, अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार करें, बड़ों की इज्जत करें, और लव यू हो गया सब, लव यू हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़, नाकस।